बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि LS का VFT है जो IS7, इसको अगर हम RS485 कम्युनिकेशन पे चलाना चाहें तो इसको हम किस तरह से 485 कम्युनिकेशन पे चलाएंगे, इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरह से होगी, टर्मिनल का डिटेल देखेंगे और पैरामीटर प्रोग्रामिंग का मैथड। तो ये देखें जी, ये हमें ड्राइंग पर जो है वो नज़र आ रहा है, RS485 लिखा हुआ है, पोर्ट S पॉजिटिव और S नेगेटिव। ये देखें जी, S पॉजिटिव और S नेगेटिव, RS485 पोर्ट। तो ये इसके कनेक्शन है जहाँ पे हमने 485 की जो वायर है वो लगानी है पॉजिटिव और नेगेटिव पे। तो ये मैनुअल की मैंने आपको डिटेल दिखाई, इस तरह मैं आपको जो है इसकी टर्मिनल की कंट्रोल वायरिंग भी दिखा देता हूँ कि टर्मिनल की कंट्रोल वायरिंग जो है वो आपने कैसे करनी है। तो जी व्यूवर्स, ये देखें, ये हमारे पास दो जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, S पॉजिटिव और S नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने 485 कम्युनिकेशन की जो वायर है जो आपके PLC मॉड्यूल से आ रही होगी वो आपने यहाँ पे लगानी है और ये इसकी वायरिंग कंप्लीट होगी। अब इसको चलते हैं पैरामीटर का मेथड देखते हैं कि हमने इसकी जो पैरामीटर की प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से करनी है। पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करने का मेथड इंतहाई आसान है, तो मैं आपको जो है वो इसके ऑपरेटर पर चल के दिखाता हूँ पैरामीटर प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। जो VFD को 485 कम्युनिकेशन पे शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले हम मोड का बटन प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास इसका जो मोड है प्रोग्रामिंग का वो ओपन हो चुका हुआ है। इसमें सबसे पहले जो है हम कमांड सोर्स के अंदर जाएंगे, कमांड सोर्स का पैरामीटर ओपन करेंगे। ये देखें INT485 के नाम से लिखा हुआ है, अगर आपको वाजह नज़र आ रहा है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसका जो ऑपरेटर का कलर है वो ज़्यादा धुंधला है, तो ये थर्ड नंबर का पैरामीटर है INT485। तो सबसे पहले कमांड सोर्स जो है, इसकी स्विचिंग भी ज़ाहिर है जब हम करवाएंगे तो 485 से ही करवाएंगे, तो कमांड सोर्स जो 6 नंबर पैरामीटर है इसको INT485 पर शिफ्ट कर देंगे तो हमारी जो स्विचिंग है वो 485 पर शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह वापस चलेंगे, नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सोर्स का, इसको ओपन कर लेंगे। इसके अंदर भी इसी तरह की एक ऑप्शन होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें INT485। तो इसको भी जब हम 485 पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो VFD है वो 485 कम्युनिकेशन पे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और 485 कम्युनिकेशन पे शिफ्ट करने के बाद हम जो है इसको थ्रू 485 यूज़ चला सकते हैं। तो जी व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हमने देखा कि 485 कम्युनिकेशन की वायरिंग और पैरामीटर प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, इसके आपको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो पेज पर मौजूद है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।